ये हर बारिश के टाइम में भर जाता है, जब बारिश होती है पूरा भर जाता है, ट्रक व्रक बाइके वाइके सब बंद हो जाती है, पूरा जाम लग जाता है वहाँ से यहाँ तक सब जगह, सारी कंपनियों के अंदर अंदर पानी चला जाता है, कंपनियों भी भर जाती है पूरी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जाने में, घर जाने में हमें सोना रोड से होते हुए जाना पड़ता है या यहाँ से बाइक बंद करके लेके जाना पड़ता है, और रात में कोई ऑटो ऑटो का भी साधन नहीं होता क्योंकि सब ऑटो बंद हो जाते हैं, काफ़ी दिक्कतें होती है यहाँ पे। दिक्कत अभी दो बार गड्ढे में टायर गया है, ये तो स्पीड कम थी जो मतलब बच गए, जाहिर सी बात है पानी में तेज वरना फूट जाता, हाथ पैर टूट जाता, बहुत दिक्कत होती डेली का आना जाना, डेली का दिल्ली से आना जाना मेरा डेली 40 किलोमीटर, बुरा हाल इस रोड का, सर्विस रोड का, इस रोड का बुरा हाल है, पल्ली साइड है उसका बुरा हाल है, दोनों साइड बुरा हाल है और आम पब्लिक के लिए तो बहुत ही बुरा हाल है। सारी दिक्कत है, एक्सीडेंट की खतरनाक है, उस पर चांस रहते हैं पटक खाने के, कई एक बात थी पिछले महीने हमारी पाकि में डूब गई थी पानी में, यहाँ पर इतना पानी भर रहा था, जब पानी भरा हुआ था रात में मेरा गाड़ी भी यहाँ पे फंस गया था, ख़राब हो गया था, पानी अंदर चला गया था, 25-26 हज़ार रुपये का ऐसे नुकसान हो गया, इंजन में पानी चला गया था, यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है और उसके बावजूद यहाँ पे कितना गाड़ियाँ फंस जाता है, कभी कभी नीचे चला जाता है गाड़ी उसमें पानी की वजह से, और दो इससे पहले पिछले बार भी जो बारिश हुए थे उसमें भी गाड़ी ख़राब कितने हो गए थे, हम लोग टैक्सी चलाते हैं, मजदूर लोग हैं यहाँ पे गाड़ी चलाते हैं। मैं तो हैरान इस चीज़ को देखते हो कि ये देश की राजधानी दिल्ली है और यहाँ मतलब हल्की सी बारिश में ये हाल है कि पानी इतना भरा हुआ है कि रात को जब हम आए थे तो हमें यही लग रहा था कि कहीं हम गड्ढे में ना चले जाएं, रोड कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, रोड पे 2-2 फुट पानी भरा हुआ था, और अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छी मतलब सोसाइटी है ये, जो मैंने जगह देखी यहाँ पे, ये रेडियो कॉलोनी है, दूरदर्शन वाला सब यहाँ पे है, लेकिन उनके यहाँ पे स्थिति ये है, तो बाकी आम लोगों के यहाँ क्या हालत होगी इस समय दिल्ली में? और अगर बारिश कंटिन्यू होगी तो ये मोटर भी कुछ नहीं कर पाती है। हाँ, अभी मेरी बाइक पूरी अंदर घुस गई थी एक गड्ढे में, यहाँ पे गड्ढा भी है, पानी भरा हुआ तो वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, साथ में इधर गाड़ी वाला भी आ रहा था तो बाइक घुस गई। ना तो आप वाहन से निकल सकते हैं, रोड पे पानी इतना है कि आपको यही नहीं पता होगा कि किसी सीवर का ढक्कन खुला हुआ है क्या है, कोई भी हादसा हो सकता है, आदमी पूरा अंदर चला जाएगा, आपके वाहन भी कहीं धस सकता है, तो स्थिति दयनीय है यहाँ की। सरकार से यही कहना चाहेंगे कि सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इन मुद्दों पे किसी के न कहने पर भी अपनी ओर से देखना चाहिए प्रशासन को, ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनका मुझे लगता है इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मैं अभी बुराड़ी से आ रहा हूँ और रास्ते में काफ़ी पानी भरा हुआ है रोड पे और काफ़ी गड्ढे भी हैं, एक बार बाइक से मैं गिर भी गया था, मैंने पेंट भी चेंज की है, और यहाँ की दिल्ली सरकार बाकी बहुत ख़राब काम है, दिल्ली सरकार का बहुत परेशानी आई, सारे कपड़े ख़राब हो गए, एक बार सीवर में भी बाइक चली गई मेरी, दिल्ली सरकार से ये कहना चाहता हूँ ये सीवर को रोडों को थोड़ा ध्यान दे सरकार। मैं सामने से आ रहा था, इतना पानी भरा हुआ है, मैं गिरते गिरते से होता था, सरकार से उम्मीद करूँगा कि ये बहुत जल्दी से जल्दी पानी निकालने का रास्ता किया जाए जिससे आगे कोई हादसा ना हो।